राजस्थान में दलितों पर हो रहे अत्याचार और 3 दिन तक शव सड़क पर रख धरना प्रदर्शन करने का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को राजस्थान की जनता की सुध लेने के लिए राजस्थान जाने का टिकट डाक द्वारा भेजा गया। दरअसल राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दलित युवक की बर्बरता से हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद युवक के परिजन 3 दिन तक शव को लेकर धरने पर बैठे रहते हैं, लेकिन न सरकार सुध लेती है, न सत्ताधारी कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि मंडल उनकी सुध लेता है। धरना प्रदर्शन का वीडियो वायरल होने के बाद जब देश भर से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। इस मुद्दे को लेकर देश भर में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इंदौर जिला भाजपा अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजेश सोनकर ने कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जनता से सहानुभूति नहीं है, इसलिए कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को आज हवाई यात्रा का टिकट भेजा है ताकि वे जनता के बीच जाकर अपनी सरकार और जनता को सहानुभूति दे सके। बाटला हाउस में जब आतंकवादी शूट आउट होता है तो सोनिया जी रात भर सो नहीं पाती हैं, उन आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती हैं, लेकिन राजस्थान में अगर दलित युवक की हत्या होती है तो सोनिया जी की आंख में एक आंसू भी नहीं आता है। प्रियंका जी लगातार उत्तर प्रदेश में वोटों की राजनीति करने के लिए पर्यटन यात्रा में व्यस्त हैं, लेकिन राजस्थान में जहाँ उनकी स्वयं की सरकार है वहाँ जाकर उस दलित परिवार के बीच में एक संवेदना का वक्त शब्द बोलने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। इसलिए आज हमने स्वयं ने उनको हवाई यात्रा करने के लिए टिकट भेजा है कि अगर आपके पास में समय नहीं है या आपके पास व्यवस्था नहीं है, क्योंकि राहुल जी तो पूरे देश के सामने हमने देखा है जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, नोटबंदी के समय भी बैंक की लाइन में खड़े होकर उन्होंने अपने पजामे की जेब में हाथ डाल के बताया था कि मेरा पजामा फटा है, तो शायद हो सकता है उनकी माली स्थिति ठीक नहीं हो, इसलिए हमने ये टिकट उनके लिए भेजा है कि आप हमारे टिकट पे कृपया राजस्थान जाएं, जहां आपके मुख्यमंत्री आपकी सरकार हैं उनको कहें कि दलितों को लगातार वहाँ पर, इसके पहले भी हमने देखा कि पिछले महीने अलवर में भी दलित युवकों के साथ में जिस प्रकार की निर्मम घटना हुई है, उनकी हत्या हुई है, निरंतर वहाँ पर इस प्रकार की घटना हो रही है जहाँ कांग्रेस की सरकार है।